बिहार में जंगल राज रिटर्न्स, बेगूसराय में बदमाशों का खूनी तांडव, 6 जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार के बेगूसराय जिले में नेशनल हाईवे पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने लगभग 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों बदमाशों ने NH-28 और NH-31 पर आधा दर्जन जगहों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गोलीबारी में मरने वाले युवक की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के पिपरा गाँव निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है। आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में, 4 विभिन्न थानों में कुछ कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे जिले में, उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है, तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया जा रहा है। सर, किस तरह का ये अपराधी पहचान हुआ है, कौन लोग थे, सीसीटीवी में फुटेज? देखिए, जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी कि उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं और हमारे जो पड़ोस के जिले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे CCTV फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए और हम लोग सभी जगहों पे इनकी रेड्स करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। जो भी लोग घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि उनको जहां गोली लगी थी उसमें इलाज होकर वो लोग घर भी चले गए हैं और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा है उनको भी हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब हम लोग का पूरा ध्यान जो इस पे है कि ये 2 व्यक्ति उन्होंने ऐसी घटना क्यों की और वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं और कौन सी मोटरसाइकिल उन लोग ने प्रयोग की, अब उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। हथियार किस तरह का था? देखिए, एक डॉक्टर से हमने बात की है तो उन्होंने पिस्टल या कट्टा, यही 2 चीज़ें बोली हैं जो जनरली क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में पता चला है। सर, परिजनों के द्वारा NH-28 को जाम किया गया, क्या इन लोगों को क्या मांग है? इन लोगों की मांग यही है कि थोड़ा सा उनको मुआवजा दिया जाए। तो मैंने उनसे बात की है, हम लोग की पुलिस की टीम CO/BDO के थ्रू भी हम लोग बात कर रहे हैं और उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। देखिए, अभी हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं बट संभवतः प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए घटना की गई है और किसने की है, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना के बाद बिहार में राजनीति भी गर्म हो गई है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधते हुए सामने आकर जवाब देने की मांग की है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है।